आज थोड़े वास्ते 200 फुट रोड दे कोल एक कोठी लेके आया, बहुत ही रीजनेबल प्राइस ते हैगी है, 5790 इहदी आस्किंग हैगी है, और बहुत ही अच्छी लोकेशन च कोठी बनी हुई है, सिंगल स्टोरी 110 गज की यह कोठी हैगी है, बहुत ही प्राइम लोकेशन च है, चौड़ी सड़क हैगी, तुसीं कारां लगन तो बाद भी बहुत जगह बचती है, और सब बहुत सारे कार जिहड़े हैगे दोस्तों बने हुए हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये कोठी जिहड़ी हैगी है, फ्रंट एलीवेशन देख सकते हो तुसीं, आ फ्रंट एलीवेशन हैगा, हुण आपां अंदर चल के देखते हैं इस कोठी नूं। इत्थे तुहाडी कार लग जाती है बाहर, और सब तो अच्छी गल है दोस्तों कि वाइड रोड है, रोड काफ़ी चौड़ी है, एक दूजे घर जो डिस्टेंस है बहुत ज़्यादा है दोस्तों हुण आपां अंदर चल के देखते हैं। एक कार जिवें मैं तुहानूं दस्सिया सी इस जगह पर लग जाएगी, एक छोटी कार अंदर लग जाती है, 110 गज के 200 फुट रोड के कोल घर बनया होया, इस जगह पर भी एक जड़ा है छोटी कार लग जाती है दोस्तों। इत्थे दो टू व्हीलरस लग जूंगे बड़े आराम नाल, और एक गार्डन जोन एरिया आ जाता जिवें आ नाल गार्डन बनया होया, इस तरह का तुसीं गार्डन जिहड़ा है बना सकते हो, ग्रीनरी इस जगह पर दोस्तों। तो दोस्तों रीजनेबल प्राइस ते हैगी है 200 फुट रोड दे विच ए कोठी, और तुसीं देख सकते हो प्रॉपर बड़े दरवाजे हैगे आ, 8 फुट दे सारे स्टैंडर्ड दरवाजे हैगे है। हुण मैं अंदर चल के दिखा दिंदा, जिवें आपां अंदर एंटर करते हैं सामने LED पैनल आ जाता है, उपर भी सारी फॉल सीलिंग हुई हुई है तुसीं देख सकते हो दोस्तों, और ड्राइंग रूम स्पेस काफ़ी खुली हैगी है, तुसीं एल ते यू शेप दे विच आराम नाल तुसीं सोफा लगा सकते हो, और एल शेप च विंडो दित्ती हुई है, इस टाइम मैं कोई भी लाइट नहीं जगाई है, प्रॉपर सनलाइट अंदर आ रही है दोस्तों। तो दोस्तों ये ड्राइंग रूम स्पेस हैगी है, अगर आप इस जगह पर सोफे पर बैठे हैं तो सामने LED पैनल आ जाता है, वो क्रॉकरी स्टैंड आ जाता दोस्तों, और ये आ जाती अपनी मॉडलर किचन, जिवें कि मैं थोनों किचन दिखा रहा है, एल शेप किचन हैगी है, उपर सारे वाइट बॉक्सिज़ है, नीचे ब्राउन कलर के बॉक्सिज़ है, और पहला रूम आ गया, सेम उपर सारी फॉल सीलिंग हुई हुई है, अटैच वॉशरूम आ गया तुसीं देख सकते हो दोस्तों, ग्रे कलर के विच हैगा वॉशरूम की ऑप्शन दी हुई है, सैनिटरी फिटिंग मौके पर होगी। तो दोस्तों ये आ जाता अपना LED पैनल, और आ फुल साइज कपबोर्ड्स बनी हुई है तुसीं देख सकते हो दोस्तों। ये सीगा अपना पहला रूम, हुण दोस्तों मैं सैकेंड रूम भी दिखा दिंदा, आ सैकेंड रूम आ गया, रूम साइज काफ़ी बड़े है, बैड लगन तो बाद भी जगह बचती है, आ सेम LED पैनल बनया हुआ है, सेम उपर फॉल्सलिंग का डिजाइन दिता हुआ है, बहुत प्यारा दिता है, अटैच वॉशरूम आ गया, वॉशरूम तुसीं देख सकते हो, सेम 2x4 की टाइलिंग्स लगी हुई है, सैनिटरी फिटिंग जी है मौके पर होगी। आ पिछला थोनों दिखा दिना, आ पिछला आ गया बेड़ा, प्रॉपर सनलाइट आ रही है, इतने थोड़ी वॉशिंग एरिया आएगा, और आ सारी जी है वॉशरूम की भी वेंटीलेशन इस जगह तो दी हुई है, और इस वॉशरूम की भी इस जगह तो वेंटीलेशन दी हुई है। कोठी का काम बहुत ही अच्छा होया, जिमें कि मैं तुम दिखा रहा, आ गया अपना दूसरा रूम, बेसिकली दोस्तों नीचे ही सिर्फ ग्राउंड फ्लोर बनया, फर्स्ट फ्लोर नहीं बनाया, सिर्फ मोंटी बनी है उपर, और एक बार मैं थोड़ा फिर दिखा दिना इस कोठी बारे। आप इस जगह तो मेन एंट्रेंस की, और ये आ गई अपनी एल शेप किचन आ गई, वाइट तो ब्राउन शेड किचन आ गई है, आ पहला रूम आ गया तुम देख सकते हो, सेम जरा मैं थोड़ा दिखाया सीगा। आ फस्ट रूम आ जाता दोस्तों, सेम LED पैनल बनया हुआ है, फुल साइज कपबोर्ड्स बनी हुई है दोस्तों, जिवें कि मैं तुहानूं दिखाया सीगा फॉल सीलिंग सारी हुई हुई है, LED पैनल बनया हुआ है दोस्तों। अब पिछला बेड़ा आ गया दोस्तों, ऊपर स्टेयर जा रही है जिहड़ी कोठी हैगी है, ये अपना 200 फुट रोड दे कोल है, और अच्छी लोकेशन दे विच है,
और सारी रहायश हैगी है, उपर सिर्फ एक मोंटी बनी हुई है, सिर्फ ग्राउंड फ्लोर बनया हुआ है। मैं फर्स्ट फ्लोर जिहड़ा हैगा उपर नहीं बनया, कल थोनू खुद बनाना पएगा नक्शा पास करा के। दोस्तों मैनू सबसक्राइब लाइक जरूर करे, थोड़े सपोर्ट ते आशीर्वाद की लोड़ हैगी है। मेरे को बहुत सारी कोठीज़ अवेलेबल है, 60, 70, 80, 90 1CR की जिहड़ी हैगी है उस दे विच। मैं थोनू एक बार व्यू दिखा रहा बाहर का, सारी रहायश हैगी है, इमीजिएट रहायश हैगी है। नीचे तुसीं अगर इस कोठी बारे होर जानना चाहते हो तो मैं कॉल करो इमीजिएटली मेरे मोबाइल नंबर से 7986051479 ते, और सबसक्राइब लाइक जरूर करे, थोड़े सपोर्ट ते आशीर्वाद की लोड़ है। आप फिर मिलते एक नवी वीडियो नाल। इस वीडियो नू देखने लई थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद जी।